Hello everyone, this is Dr. Ava Bohra. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are happy and safe. Today in this video, we will talk about Barbaris Aquifolium Gel, जो SBL company का product है. मेरा personally favorite है, क्योंकि results बहुत अच्छे मिलते हैं इससे. तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बनाई हुई हैं क्रीम पे, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें क्लियर करूंगी. पहली कि बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बेनिफिट क्या हैं, दूसरा बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, थर्ड बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कितने दिनों में आपको रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है. ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे हैं, बहुत सारी व्हाट्सएप में क्वेरीज आ रही है. बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल मेरे बहुत सारे पेशेंट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं. तो मेरे रिकमेंडेशन पे अगर आप ले आए हैं पर आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा. एंड ऑफकोर्स अगर आप उसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ जो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसको तुरंत हिट करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें रेगुलर. बिना देर किए आज की इस वीडियो को भी अब हम शुरू कर लेते हैं. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको जेल दिखा देती हूँ. ये है बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल SBL का. जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें मालूम है मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पे अपलोड की हैं, आपको दिखाया है इसको, जेल को दिखाया है खोलकर, इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करना बताया, अलग अलग कंसर्न्स में यूज़ करना बताया है. अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोज़ तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए. मिरेक्युलस प्रोडक्ट है, सेवियर है एक्ने पिंपल्स वालों के लिए, स्पेशली ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और एक्ने प्रोन स्किन जो है उन लोगों के लिए बेस्ट एवर प्रोडक्ट है. सबसे अच्छी बात यह है कि पॉकेट फ्रेंडली है, अफोर्डेबल है, सिंपल जेल बेस्ड फॉर्मूला है. उसके अंदर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बर्बेरिस एक्विफोलियम, द किंग एंड क्वीन रेमेडी फॉर ऑल द स्किन कंसर्न्स. बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं जब हम इसे लोकली अप्लाई करते हैं. तो इस वीडियो में मैं बेसिक डिटेल पे नहीं जाऊंगी कि बर्बेरिस एक्विफोलियम क्या है, ये जेल क्या करता है, इसके क्या कॉम्पोजिशन है, बिकॉज मैंने बहुत सारी वीडियोस इसमें बनाई हुई है. तो हम शॉर्ट में बस इतना जान लेते हैं कि जो जिन्हें नहीं मालूम है या जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बर्बेरिस एक्विफोलियम ये जो जेल है ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है. इसका मेन इंग्रेडिएंट है बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत इफेक्टिव है स्किन कंप्लेंट्स को ठीक करने के लिए, स्पेशली जब हम इसे लोकली अप्लाई करते हैं. तो ये एक्ने पिंपल्स के केसेस में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, स्किन की डलनेस को दूर करती है, अनइवन टोन को इवन करती है, एक्ने स्कार मार्क्स को दूर करती है. 25 ग्राम पैकेजिंग में आती है और 56 रुपीस में आपको मिल जाती है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है. अब हम बात करते हैं तीन टॉपिक के ऊपर, तीन क्वेश्चंस के ऊपर. तो सबसे पहला कि SBL बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो जो मैंने ऑलरेडी बोल दिए वही सारे हैं. सबसे पहला, एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सेकेंड, पिगमेंटेशन किसी भी तरीके का हो, किसी भी वजह से हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, मेलाज्मा, झाइयाँ, इन सारी कंप्लेंट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ, सन टैन और सन बर्न में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका धूप से आपके स्किन में पिगमेंटेशन हो गई है, सन बर्न हो गया है और वो दाग नहीं जा रहे हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आपकी स्किन का टेक्सचर रफ है तो आप इसे यूज़ करिए, अगर आपकी स्किन अनइवन है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ये इसके बेनिफिट्स हैं. सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन वालों के लिए बहुत अच्छी है और मीडियम और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जेल बेस्ड फॉर्मूला है. टॉकिंग अबाउट सेकेंड क्वेरी जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, साइड इफ़ेक्ट क्या है बर्बेरिस एक्विफोलियम जेल के, या फिर कुछ लोगों ने पर्टिकुलर मेंशन भी किया है जिन्होंने यूज़ किया है कि स्किन ड्राई हो रही है. सो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो इस जेल क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. ऐसा कोई भी केमिकल बेस इसके अंदर, कोई केमिकल इंग्रेडिएंट नहीं है कि वो आपकी स्किन पे जाके आपको इरिटेशन, रैशेज, एलर्जी इस टाइप का कुछ कर दे. बट जिसको आप साइड इफ़ेक्ट बोल रहे हैं वो एक्चुअली ये है कि आपको आपका स्किन टाइप पहचानना है. क्योंकि जेल क्रीम है तो ऑब्वियसली आपकी स्किन को ड्राई करेगा. मैंने अपने जो पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से मेंशन किया है कि ये जो सुटेबल है क्रीम स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बी स्किन वालों के लिए और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए. बट अगर आपकी स्किन ड्राई है और आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं
तो आप ये जेल क्रीम यूज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्किन को ये फर्दर ड्राई कर रहा हो, ऑब्वियसली करेगा ही। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करें जिसका 12 to 14 आवर्स या 16 आवर्स का मॉइस्चराइजेशन सपोर्ट हो। ऐसा मॉइस्चराइजर आप यूज़ करिए, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ करिए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर को रोज़ वाटर में मिक्स करके यूज़ करिए। इस जेल को मत यूज़ करिए। बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर लोकल होम्योपैथिक स्टोर से ले आइए। 50:50 रेशियो में गुलाब जल के साथ इसे मिक्स कर लीजिए और इसे लगाइए, स्प्रे कर लीजिए या कॉटन स्वैब की हेल्प से पूरे फेस पर लगाइए। 15 से 20 मिनट रुक जाइए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, उसके ऊपर आप अपना रूटीन मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं। सो ड्राई स्किन या सुपर ड्राई स्किन वालों के लिए ये तरीका है बर्बेरिस एक्विफोलियम यूज़ करने का। और अगर आप जेल ही यूज़ करना चाहते हैं पर्टिकुलर, तो आप जेल के साथ भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। जेल लगाइए, उसके थोड़ी देर बाद आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोडक्ट का कोई भी नोन साइड इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैं अपने हर वीडियो में, हर प्रोडक्ट में, जब भी कोई एक लोकल एप्लीकेशन का प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ तो उसमें बोलती हूँ कि पैच टेस्ट ज़रूर करिए। तो फिर बोल रही हूँ कि पैच टेस्ट करे बिना आपको कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, इस जेल को भी नहीं लगाना है, एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं थर्ड क्वेरी के ऊपर कि कितने दिन में इससे रिजल्ट्स मिल जाता है। ये भी जो क्वेश्चन है ये बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। कोई भी चीज़ मैं सजेस्ट करूँ तो आज हम बर्बेरिस एक्विफोलियम की बात कर रहे हैं, तो इस पर ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। 10 दिन हो गए हैं लगाते हुए, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। 20 डेज हो गए हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। 1 महीने से लगा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसका जवाब ये है कि पेशेंस, सब्र करने से ही रिजल्ट मिलता है। पहली चीज़ मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हॉर्मोनल एक्ने हो रहे हैं, उसका कोई इंटरनल कॉज है उन एक्नेस का, ऑब्वियसली इंटरनल कॉज होता ही है, और ज़्यादातर हॉर्मोनल एक्ने वाले पेशेंट्स हैं मेरे पास, टीनेज एक्ने वाले हैं, प्यूबर्टल एक्ने वाले हैं, यंग पेशेंट्स हैं जिनको सिस्टिक एक्ने होता है, एक्ने वल्गैरिस होता है। तो ऐसे में सिर्फ लोकल एप्लीकेशन आपको उतनी मदद नहीं करेगा, आपको एक इंटरनल मेडिकेशन की ज़रूरत होगी। तो बहुत अच्छा होगा ऐसे में आपके प्रॉपर कॉन्सल्टेशन ले, चाहे तो हमसे ई कॉन्सल्टेशन ले लें या नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से कॉन्सल्ट करके आप इंटरनल मेडिकेशन ज़रूर लें ताकि रूट कॉज ठीक हो सके। इसके साथ साथ आप लोकल एप्लीकेशन वाली मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपको बहुत क्विक रिजल्ट देखने को मिलेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, रिकरेंस कम होगा। सिर्फ लोकल एप्लीकेशन लगाकर अगर आप अपना कंसर्न सॉल्व करना चाह रहे हैं एक्ने पिंपल्स का, ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे जिन्होंने कोई इंटरनल मेडिसिन नहीं ली, वीडियो देखी और ये जेल या सौंदर्य क्रीम या मास्क को क्रीम यूज़ करी और उनको बिल्कुल ठीक हो गई ये समस्या। तो आपकी भी हो सकती है, हर स्किन टाइप डिफरेंट है, हर पर्सन डिफरेंट होता है, हर सबकी इंडिविजुअलिटी अलग अलग होती है। तो ऐसे में प्लीज़ 15 दिन में रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करिए, कोई जादू वादू नहीं हो जाता। जैसे मैं बोलती हूँ, टाइम लगता है और एक्ने पिंपल्स में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हॉर्मोनल इशू होता है, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, तो सबको ठीक होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लगाया और 15 दिन के बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट कर लिया। मिनिमम टाइम में अगर आपको बोलूँ तो 6 से 12 हफ्ते लगाने के बाद ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करना है। इतने समय के बाद आप देखेंगे कि आपको चेंजेस, इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएंगी अपने प्रॉब्लम के ऊपर, अपने फेस के ऊपर। आपका जो एक्ने पिंपल्स है वो कम होने लगेगा, आपका जो इन्फेक्शन है वो कम होगा, रिकरेंस कम होगा, बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है। सो जिन भी लोगों ने ये पूछा है कि कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा इसको यूज़ करने से और कितने दिनों तक हम इसे यूज़ करें, तो जब तक आपका कंसर्न ठीक नहीं हो जाता आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और 12 हफ्ते से पहले रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको, फॉर लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे अपने स्किन केयर रूटीन में फॉर लाइफ इंक्लूड कर लिया है। एक टाइम तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि इसे यूज़ करूँ विथ 1 ड्रॉप ऑफ टी ट्री ऑयल, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। मैंने वीडियो अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। और भी बर्बेरिस एक्विफोलियम पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन वाली एक वीडियो है जो वायरल गई थी, बहुत सारे व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला है उससे, वो वीडियोज़ देख लीजिए। सो वीडियोज़ देखिए डिटेल में तो आपको हेल्प मिलेगी। बट ये 3 सवाल जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते थे, बेनिफिट, साइड इफेक्ट और कितने टाइम में रिजल्ट मिलेगा,
उसको आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसे आंसर करने की। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी और आपके डाउट सॉल्व कर देगी। इफ़ यू गाइस फाउंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। लव यू ऑल।